आज के वीडियो को यही यहाँ नहीं एंड करते यार। ये क्या है भाई, ये क्या है यहाँ पर भाई? ये हम गरीब लोगों का छोटा स्विमिंग पूल है, लेकिन इसमें पानी कहाँ है? अभी तक कितना बेच लेंगे भाई? लाख अभी 80-90 नहीं यार, 80-90 हज़ार का बिका होगा अभी तक भाई। कॉलेज पढ़ाई आगे करने के बाद क्या करने का सोचा है कुछ? तो गुड इवनिंग गाइस, आज है 29 अप्रैल शुक्रवार और अभी शाम के बज रहे हैं 4। तो गाइस ऐसा है कि आज के व्लॉग को अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि दिन भर घर में था तो घर के काम, घर में बहुत सारा काम रहता है तो उसमें थोड़ा सा व्यस्त हो गया था। तो गाइस ऐसा है, अभी हम लोग जाने वाले हैं एक छोटे से किसान भाई के यहाँ, उन्होंने जो है भिंडी की खेती कर रखी है, तो उनके खेत को देखने के लिए जाने वाले हैं और उनसे बात करेंगे कि कितना जो है वो उससे अर्निंग कर ले रहे हैं करके, क्योंकि वो भाई जो है मेरी तरह सब्जी भी बेचता है और जो भिंडी लगाया उसको मंडी में भी लेके बेचता है और मार्केट भी ले जाके बेचता है। तो उनसे बातें करेंगे और बहुत सारा चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगी प्लस देखने को मिलेगी। और तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहिए, चलते हैं वहाँ घूम के आते हैं, आप लोग को दिखाता हूँ कैसा है। चलो फिर देख सकते हैं मैं पहुंच गया ये भाई के खेत में। यहाँ जो है इन लोगों ने बाड़ी लगाया हुआ है और हम लोग देखने वाले हैं कि भिंडी का जो खेती है वो किस प्रकार से ये लोग कर रहे हैं और कितना प्रॉफिट जो है इन लोग को होता है और कितना उसमें खर्चा आता है और कैसा है, ये सब चीज़ों को दिखाने वाला हूँ आप लोग को। तो चलो सीधा जो खेत में चलते हैं, भिंडी वाले खेत में, और भाई से भी मिलाता हूँ मैं, जो छोटा भाई है जो इसके काम काज को संभालता है, मतलब जो कि इस खेती को करता है ना। तो चलो फिर भिंडी के खेत में मिलाता हूँ आप लोग को उनसे। सो गाइस अभी जा रहे हैं हम लोग खेतों की तरफ और जिस खेत में मतलब भिंडी लगा है उसमें ले जा रहा हूँ। अभी जो देख पा रहे हैं इधर चारों तरफ जिसमें धान दिखा है, सभी में जो है सब्जी की खेती किया जाता है लेकिन अभी किया नहीं। चलो मैं आप लोगों को अब खेत को जो है दिखा रहा हूँ कि कैसा है और कितने में इन लोगों ने खेती किया है उसको, है ना। तो चलो वहीं मिलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं पीछे जो ये खेत है, यह है भिंडी का खेत, इसमें अभी भिंडी की खेती की गई है। भिंडी को इंग्लिश हम लोग बोलते हैं लेडी फिंगर ही बोलते हैं ना, है ना। तो देख सकते हैं फूल जो है इसमें लगा हुआ है और कितना दिन हो गया इसको लगे और कितनी बार जो है तोड़ाई कर लिए हैं वो जब भाई आ जाएगा जिनका खेत है घूमने आया हो वो बताएगा, उनसे पूछेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को भिंडी को आओ थोड़ा पास से दिखा दे रहा हूँ जैसा कैसे इसमें फल लगा हुआ है। तो गाइस ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार छोटा छोटा एकदम उच्च क्वालिटी का भिंडी, और ये देखिए सभी में फल जो है लगा हुआ है। अभी बता रहे थे कि भाई लोग इसमें दवा छिड़काव भी करने वाले हैं करके। ये देखिए पूरा जो खेत है, इतना बड़ा खेत है, वहाँ जो दिख पा रहा है उधर वो पीछे से लेकर उस कोने और इस कोने तक, ये इस खेत में पूरा जो है भिंडी लगा हुआ है। ये देखिए तो गाइस मेरे साथ है इस खेत के मालिक। तो भाई देख सकते हैं इतना छोटी उम्र में खेती किसानी का काम संभाल रहे, तो सबसे पहले इन्हीं से इनका इंट्रोडक्शन जानते हैं हम लोग कि क्या नाम भाई, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम धर्मवीर कुमार पटेल है। और भाई साहब एज क्या होगी आपकी? मेरा एज 17। 17 साल के हैं भाई जो है अभी देख सकते हैं। और एजुकेशन पूछ लेते हैं एक बार भाई कि कहाँ तक पढ़ाई किए हैं या कर रहे हैं भाई? मैं अभी 12वीं पढ़ूंगा अगले साल। ठीक, तो भाई ने बताया कि 12वीं जो है अगले साल करेंगे, मतलब जस्ट अभी 11वीं पास किए हैं, है ना भाई? क्या मैं सही हूँ? आप एकदम सही हैं। हाँ तो मैं एकदम सही हूँ। और भाई ये पूछते हैं कि ये खेती को करते मतलब कितने साल हो गया भाई? भाई अब मेरे पिताजी लोग करते थे, अब मेरे बाढ़ने के बाद अब हम संभालते हैं। अच्छा आप लोग कितने मतलब कितने झने संभालते हो आप अकेले की और भाई लोग करते हैं? मेरे दो और भाई लोग हैं। अच्छा, लेकिन मैं ही ज़्यादा काम करता हूँ। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई आप ये बताएं कि भिंडी को खेती को मतलब करते हर साल आप करते हैं कि इस साल ही किए हो? हर साल करते हैं भाई। हर साल करते हैं तो एक ही ठोबस में कैसे लगाए भाई? इतना आपका तो पूरा बड़ा इलाका दिख रहा है इधर। नहीं भाई उधर बहुत बंदर है, पूरा संभालते नहीं बनते, इसलिए इधर धान बो दिया है।
पूरा मतलब बंदर की इतना टेंशन रहता है भाई कि फसल को बर्बाद कर देते, इसलिए ये जो है घर के पास में है, इस वजह से यहाँ पास वाले में लगाया, ऐसे ही है ना भाई? हाँ, तो ऐसा ही है, पास इस वजह से इसमें लगाया है। और ये फसल के बारे में पूछते हैं, कितने दिन हो गया है ना, तो कितने दिन हो गया भाई इसको लगे हुए? इस फसल को 3 माह हुआ है भाई। 3 माह, 3 महीने में लगभग कितने बार मतलब कितना ये निकल गया होगा उपज जो है इसका, कितना आप लोग तोड़ाई कर लिया, कितना क्विंटल सामान जो है माल बेच डाले होंगे अभी तक? अभी 15-20 बार तोड़ डाले हैं भाई। 15-20 बार ये जो है माल इनका निकल गया है, मतलब कि एक बार में कितना निकल रहा है भाई? एक बार स्टार्टिंग में कितना निकल रहा था? स्टार्टिंग में 50 किलो। 50 किलो, तो 50 किलो सुन सकते हैं स्टार्टिंग में निकल रहा था, और उस टाइम रेट क्या रहा होगा भाई? 40-45 रुपये किलो। थोक में था भाई, मतलब थोक में 40-45 रुपये किलो भाई, चिल्हर में तो 60 रुपये किलो से कम बिकता ही नहीं है उस टाइम जब इन लोग का निकलना शुरू हुआ था, है ना? और अभी तक अभी जो रेट है अभी थोड़ा डाउन हो गया है ना भाई? अभी सस्ता हो गया है यार, 10-12 रुपये हो गया, तो बने नहीं पोसाता है। और 10-12 रुपये किलो हो गया भाई इसमें, मतलब 10-12 रुपये में रोजी नहीं पड़ता, वो तोड़ते हैं ना तो उसका भी खर्चा नहीं निकलता। थोड़ा सा डाउन हो गया है मार्केट जो है भिंडी का भी, क्योंकि सभी लोग का भिंडी एक साथ आना जो है शुरू हो गया है इस वजह से। तो भाई हम लोग ये पूछते हैं कि कितना लागत इसमें आया होगा अभी तक टोटल लागत कितना आया वो मेरे को बता दो। अभी इसमें बहुत खर्चा आ गया है भाई, हर 2-3 पाड़ी तोड़ने के बाद दवाई छींचना पड़ता है। एक स्प्रेयर का 1200-1500 का दवाई आता है, बहुत महंगा आता है। 1200-1500 मतलब एक बार में एक स्प्रेयर पूरे एक बार में मतलब 1200-1500 का दवा जो है इसमें लग जाता है भाई। और दवा कितने दिन में छिड़काव करते हैं भाई? 2-3 दिन 4 दिन के बाद करते हैं भाई, 2 पारी तोड़ने के बाद। अच्छा, 2 बार तोड़ने के बाद है ना, मतलब खर्चा कितना आ गया होगा अभी तक इसमें? अभी इसमें 15-20 हज़ार आ गया होगा भाई, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक गाइस 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा इसमें आ गया है। लेकिन ये खर्चा जो है इन्होंने वसूल लिया होगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि स्टार्टिंग से लोग जब रेट जो है चिल्हर में 40 रुपये किलो था तब से बेचते आ रहे हैं, मतलब अभी तक कितना बेच ले होंगे भाई? 80-90 हज़ार का बिका होगा अभी तक। हाँ, मतलब भाई 20 हज़ार की इन्वेस्टमेंट में 80-90 हज़ार का 3 महीने में, मतलब सही है। और अभी तक लगभग इनका चल ही रहा है ना? अभी 3 महीना फसल और निकलेगा। अभी 3 महीना फसल और निकलेगा, मतलब 3-6 महीने का फसल, गजब। तो देख सकते हैं गाइस ऐसा बहुत बढ़िया है। और भाई कॉलेज पढ़ाई आगे करने के बाद क्या करने का सोचा है कुछ? किसान आदमी किसानी करेंगे यार। हाँ, तो बहुत बढ़िया सोच भाई का, भाई किसान आदमी किसानी करेंगे। और एक चीज़ और पूछना था मेरे को कि जो सामान है इसको ये कहाँ कहाँ बेचते हैं, मतलब ले जाके कहाँ कहाँ बेचते हैं भाई? भाई हम लोग दोनों जगह बेचते हैं यार, थोक भी बेचते हैं और चिल्हर भी बेचते हैं। अच्छा, मंडी में भी और बाजार में भी बेचते हैं। तो ये बताओ कि फ़ायदा कहाँ ज़्यादा मिलता है, मंडी में ले जाके बेचने में कि मार्केट में ले जाके बेचने में? सीधा मार्केट में ज़्यादा फायदा मिलता है यार, वहाँ ज़्यादा रेट में बिकता है। हाँ, क्योंकि गाइस मार्केट में सीधा 60 रुपये बिकेगा तो वहाँ 20 रुपये कम बिकेगा, लेकिन ऐसा है कि ज़्यादा सामान है उसको डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेच सकते ना, कितना बेचेगा, इसलिए मंडी में ले जाना पड़ता है ना भाई? हाँ भाई, यही है ना, सही बोल रहे हो ना? अभी जो है अभी इसमें दवा डालोगे है ना भाई? अभी दवा डालेंगे भाई, मेरे बड़े भैया डालेंगे दवा, अभी इसमें दवा डालना करके भाई बता रहे हैं। तो और इसके बाद कटने के बाद और कुछ फसल लगाना है भाई इसमें? इसमें लगेगा भाई, इसमें टमाटर लगेगा। हाँ, तो खुजली हो गया यार इसके, तो ऐसा कर रहा है, हो रहा है भाई भिंडी तोड़ने के बाद। मतलब भिंडी को तोड़ने से हाथ में खुजली हो जाता है, इसलिए दस्ताना पहन के तोड़ते हो ना? हाँ भाई। और मार्केट में इनको देखे हो गए आप अक्सर, भाई बेचते धनिया मिर्चा अदरक, यही बेचते हैं, यही इनका धंधा है। और एक आध दिन इनका जो दुकान है, मतलब धनिया मिर्ची और अदरक, इसमें कितना का प्रॉफिट होता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन रहता है, उसको भी बाद में किसी दूसरे वीडियो में आप लोग को बता दूंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे है ना, तो उसको किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। तो भाई का धन्यवाद गाइज कि मेरे को आने की यहाँ अनुमति दी दिखाने के लिए, अच्छा लगा बात करके। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। थोड़ा सा यार ऐसा कि यहाँ आके वैसा बात करने मेरे को भी थोड़ा अजीब लग रहा था, उतना अच्छे से हो नहीं पाया, लेकिन बहुत ट्राई किया मैं अच्छे से करूँ करके। तो ऐसा कि नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे से ट्राई करूँगा, दूसरे किसान के यहाँ अगर मैं जाऊँ तो अच्छे से जो है बातचीत कर पाऊँ करके। तो गाइस आज के वीडियो को यहाँ नहीं एंड करते यार। ये क्या है भाई, ये क्या है यहाँ पर भाई? ये हम गरीब लोगों का छोटा स्विमिंग पूल है, लेकिन इसमें पानी कहाँ है भाई? धूप इतना ज्यादा है कि यहाँ पूरा पानी सूख गया, सूख के ऊपर उड़ गया। ये देख सकते गाइस इतना खतरनाक स्विमिंग पूल, एकदम बहुत तगड़ा भाई। ये हम गरीब लोगों का छोटा स्विमिंग पूल है,
अरे बाप रे। होने के बाद और सो गाइस ये देख सकते हैं ये इन लोग का स्विमिंग पूल छोटा सा ही बनाए हुए हैं भाई लोगों। तो गाइस यहाँ से अब निकलते हैं घर के लिए और भाई से बात करके बहुत ही अच्छा अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई, बहुत ज़्यादा मस्ती, बहुत ज़्यादा मज़ा, मतलब मज़ा ही आ गया। और ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ये मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस ऐसे अगर इसी प्रकार की वीडियोस और चाहिए तो बताना कि नेक्स्ट टाइम से मैं जो है जो फार्मर्स है जो लोग वेजिटेबल्स मतलब सब्जी का खेती करते हैं उनके पास जा जा के ब्लॉग बनाने का कोशिश रहेगा। और अगर ब्लॉग अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करके बताना, ऐसा ब्लॉग दोबारा नहीं बनाऊँगा। ठीक गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।